नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे और प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष विधायक डॉक्टर वाजहत मिर्जा के आदेश अनुसार नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में राम मंदिर के सामने राम झूला फेस वन को फिर से शुरू कराने के लिए आंदोलन किया गया। साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मुखौटा पहनकर काट कर राम झूले पर गाड़ियां चलाई। इस मौके पर वसीम खान ने बताया कि नागपुर शहर में राम झूला फेस वन का काम कई महीनों से चालू है जो कि अब पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों होना था, लेकिन भाजपा के नेताओं को व उप मुख्यमंत्री को आम नागरिकों की फिक्र नहीं है। राम मंदिर से किंग्सवे के लिए उत्तर रास्ता शुरू कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन यहां पर ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे आम नागरिकों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन में ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, कांग्रेस उपाध्यक्ष राजा भाऊ चिलाटे, आशीष दीक्षित, अनिल मछले, दानिश बाबा खान, रामदास जी वानखेड़े, अज्जू पठान, नायडू, अजय चौहान, पवन चांदपुरकर, क्षितिज साखरे, सरफराज जिशान, फैज व आदि उपस्थित थे। आज जो हम इधर खड़े हैं, राम झूला जो फेस वन का काम एक्सटेंशन किया था, एक्सटेंशन के लिए शुरू किया था, वो काम पूरा हो गया है। 26 जनवरी 2023 को राम झूला की ओपनिंग होनी थी देवेंद्र जी के हाथों, जो कि DCM है अभी महाराष्ट्र के, लेकिन वो कुछ कारणवश आए नहीं, क्योंकि वो हवा में घूमते हैं और फ्लाइट में सफ़र करते हैं, उनको रोड की परिस्थिति पता नहीं है। हम आम जनता जो रोड पे घूमते हैं, यहाँ से कंटिन्यू जाम रहता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। वैसे ही रेलवे स्टेशन का जो पुलिया है उसका भी काम शुरू होने वाला है, तो वहाँ भी कंटिन्यू जाम रहता है। LIC में अलग जाम है, फ्लाईओवर के अलग काम चालू है, मेट्रो के अलग काम चालू है। यहाँ आम दिनों में आम जनता को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देवेंद्र जी ये सब चीज़ों से बेहाल है, उनको मुंबई से, उनको महाराष्ट्र की राजनीति से फुर्सत नहीं है, तो देवेंद्र जी का समय ना मिलने से हमने देवेंद्र 2 को यहाँ पे लाए, उनके हाथ से फीता खोला और राम झूला फेस वन की ओपनिंग की आज। देवेंद्र जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राम झूला वापस चालू करो, चालू करो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।